हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे. तो कैसे हैं आप सब? यस, तो सभी स्टूडेंट फटाफट, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, फटाफट वो सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों को बुलाओ कि आज एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है. डेफिनेटली अगर हम पहली क्लास मिस कर देंगे, पहली क्लास में थोड़ी गड़बड़ कर दी, तो डेफिनेटली इन द अपकमिंग क्लास आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन जो है ट्रिकी आते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी आपको पढ़नी नहीं है. गिनी चुनी टर्म्स जो ऑलरेडी आप 9th क्लास से जानते हैं, उन्हीं का यूज करके हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. एंड बेटा, फ्रॉम द एनडीए प्रोस्पेक्टिव वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक मॉल कॉन्सेप्ट, एंड डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही. मतलब गैसीय स्टेट से, और उन सबसे मैं आपको कह रहा था कि देर इज ए चांस दैट देर इज ए क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, बट मोल कॉन्सेप्ट के आजू बाजू से एक क्वेश्चन आना ही होता है, दैट इज वेरी फॉर श्योर. तो सभी बच्चे फटाफट लाइक बटन को प्रेस कर दे, मार्क योर अटेंडेंस, आफ्टर दैट बी रेडी फॉर ए अमेजिंग सेशन. सभी बच्चे रेडी हैं? आर यू रेडी? चलिए, तो बेटा आप सभी बच्चों के लिए खास इंफॉर्मेशन है कि करियर पॉइंट लेकर आ रहा है सीपी स्टार स्कॉलरशिप टेस्ट. एंड देर इज ए, आपसे एक शिकायत है कि आप है ना अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर नहीं कर रहे, दैट्स अ बैड पार्ट. तो जो भी बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं या बाद में वीडियो को देखेंगे, सो इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि आप अपने दोस्तों को बताइए, अपने स्कूलमेट्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि देर इज ए स्पेशल, एज इट इज ए न्यूली लॉन्च बैच, बैच अभी नया शुरू हुआ है. नीट वाले देख सकते हैं क्या बेटा? मले डेफिनेटली इफ यू हैव थिंक, इफ डू यू थिंक कि आपके मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो मिसिंग है, आपको ना मोल के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने हैं, कुछ शॉर्ट रिवीजन अगर आप मोल कॉन्सेप्ट की करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली इट्स द लेक्चर फॉर यू, बिकॉज वी आर गोना मोल लर्न इन ए सच ए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, है ना. मोल तो वैसे भी वो टॉपिक है जिसको आप सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं कह सकते, है ना. इट इज यूज एवरीवेयर. अगर मेरे को कोई एक मोल क्या दे दे, एक मोल मेरे को कोई रुपए दे दे, है ना, इफ somebody pay me the one mole rupees, then definitely it will take billions of year me to spend, है ना. स्कॉलरशिप टेस्ट मुझे देना, नीट वाला. यस बेटा मले, इफ यू वांट टू गिव द स्कॉलरशिप टेस्ट, देन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 18 टू 20 दिसंबर के बीच में आपको रजिस्टर करना होगा. यहाँ पर 18 टू 20 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन ही टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा. आपको उससे पहले क्या करना होगा, जस्ट गो टू द गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द ई करियर पॉइंट ऐप. आफ्टर डाउनलोडिंग, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द सीपी स्टार फेलोशिप टेस्ट. फीस इज वेरी वेरी नॉमिनल, यू कैन से इट्स नॉट ए फीस, इट्स ए जस्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेस विच आर जस्ट 25 रुपीज, एंड आफ्टर यू गिव द एग्जाम डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलने वाली है. मले बेटा, फीस इज वेरी वेरी नॉमिनल, विच इज ओनली 25 रुपीज ओनली, ठीक है. तो आप ऐप डाउनलोड करके खुद को सीपी स्टार टेस्ट के लिए रजिस्टर जरूर करें. यस, मेंटी लो बेटा, मेंटी का टाइम भी आएगा, डेफिनेटली मेंटी भी करवाएंगे, सो वरी नोट, मेंटी भी करवाएंगे. आज हम शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट. नीरज अग्रवाल, गुड मॉर्निंग, हेलो रविंद जी, हेलो प्रकार शुक्ला, हेलो एवरीवन. तो यस, आर यू गोना स्टार्ट, रेडी है स्टार्ट के लिए? तो सभी बच्चे ई करियर पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे, एंड इफ यू वांट टू बाय एनी कोर्स रिगार्डिंग एनी ऑफ योर रिक्वायरमेंट, यू कैन बाय पेन ड्राइव कोर्स, यू कैन बाय लाइव कोर्स, यू कैन बाय बोर्ड कोर्स, यू कैन बाय टेस्ट सीरीज, यू कैन बाय प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, मीन्स वट एवर यू रिक्वायर फॉर यूर गारंटी टू द सक्सेस, है ना. सिंपली ये कह सकते हैं कि आपके सिलेक्शन की गारंटी के लिए जो भी चाहिए, डेफिनेटली बेटा वो आपको इस ऐप के ऊपर मिलने वाला है. जैकेट कहाँ गई? जैकेट चोर ले गए, रात को आए थे, एंड जैकेट है ना वो चोरी हो गई, है ना. तो आज हम बिना जैकेट के पढ़ाने वाले हैं. यस सर, रजिस्टर करना है मैंने ऐप पर, ये स्कॉलरशिप के लिए. कब रजिस्टर? रजिस्टर बेटा आप अभी से शुरू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड. मले बेटा, रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड, जस्ट डाउनलोड द ई करियर पॉइंट इफ यू डोंट हैव, एंड डोंट फॉरगेट टू रेट इट 5 स्टार ऑन द गूगल प्ले स्टोर, देन यू कैन रजिस्टर, है ना. दैट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्टेप. रजिस्टर करने के एक स्टेप में ये भी आता है कि आपको इसे गूगल प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग देनी होगी. आफ्टर दैट गो टू द ऐप, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट. 18 से 20 दिसंबर के बीच में टेस्ट कंडक्ट होगा ऑनलाइन, टेस्ट भी ऑनलाइन ही होगा, स्कॉलरशिप भी ऑनलाइन ही मिलेगी. सो डेफिनेटली इन दिस इरा ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, है ना. पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, फेलोशिप भी ऑनलाइन मिल जाएगी, टेस्ट भी ऑनलाइन हो जाएगा, सारे बेनिफिट्स आपको ऑनलाइन ही मिलने वाले हैं.
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्या मोल कॉन्सेप्ट। उससे पहले चलो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आप कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं, कुछ बच्चे अभी बोर्ड के लिए पैनिक कर रहे होंगे कि सर कंपटीशन का तो ठीक है हम कंटिन्यूअसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट अभी हमें बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, व्हाट टू डू। आपको वैसे तो एक कमेंट सेक्शन में लिंक दिखाई दे रहा होगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक। आप क्या करेंगे बेटा, आप पहुंच जाएंगे कहां पर, कोर्स के लिंक के ऊपर। बट स्टिल आई एम गोना गिव यू अ सिंपल इन्फॉर्मेशन, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कोर्स बाय करना चाहते हैं, द होल कोर्स फॉर द एग्जाम ओरिएंटेशन, यू विल गेट द 5 star, आपको सिर्फ 5000 रुपए में वो मिलने वाला है, ओनली द 5000 रुपए। एंड इफ यू थिंक कि नहीं सर फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं चाहिए, आई नीड ओनली फॉर द मैथ्स, आई नीड ओनली फॉर द बायोलॉजी, देन यू हैव टू पे ओनली 2000 रुपीज। क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। हेलो बेटा अपेक्षा, वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और सभी स्टूडेंट ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों को बुलाकर लाए। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं क्या, मोल कॉन्सेप्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज द मोल, मतलब सिंपल से सिंपल डेफिनेशन अगर हम देना चाहे किसकी, मोल की, तो वो मोल होता क्या है। एनी स्टूडेंट वॉन्ट टू गिव द डेफिनेशन ऑफ मोल, मैं कहूंगा मेरे अकॉर्डिंग मोल की एक सिंपल डेफिनेशन है कि मोल इज जस्ट ए मैथमेटिकल फिगर, है ना। मोल कुछ नहीं है, मोल एटम मोलिक्यूल किसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, मोल तो एक मैथमेटिकल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है सभी बच्चों को पता है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इनटू 10 रेज टू द पावर 23 इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो लेट्स सी व्हाट इज मोल। मोल इज जस्ट लाइक 1 dozen ग्रोस, मींस जस्ट ए मैथमेटिकल नंबर। आपको पता है क्या होता है मोल, मोल आपका एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इनटू 10 रेज टू द पावर 23। तो हम क्या, मतलब इतना नंबर तो समझ आ गया, तो जरूरी नहीं आप एटम मॉलिक्यूल के लिए ही यूज करें। इफ यू से आई हैव 1 mole एप्पल, हाउ मच एप्पल्स डू यू हैव, यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ एप्पल। इफ यू से आई हैव 2 moles ऑफ एप्पल, यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ एप्पल। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपके पास गलती से ऐसा हो ना कि अगर बैंक में कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या अमेरिका के किसी बैंक में एक बच्चा बैठा है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट है वो, और उसने क्या किया अमाउंट की जगह, पैसों के अमाउंट की जगह एवोगैड्रो नंबर भर दिया, हाउ मच मनी यू आर गोना गेट इन योर अकाउंट। कि अगर आप पर सेकंड 1 lakh rupees भी खर्च करेंगे, पर सेकंड 1 lakh rupees भी खर्च करेंगे, देन इट विल टेक बिलियंस ऑफ ईयर यू टू स्पेंड, है ना। अगर आपके पास 1 mole कॉन्सेप्ट, 1 mole rupees आ जाते हैं, तो इट विल टेक बिलियंस ऑफ ईयर टू स्पेंड इफ यू स्पेंड द 1 lakh rupees पर सेकेंड। मीन्स इट इज अ वेरी बिग नंबर, है ना। पैसे के साथ थोड़ा लिंक करते हैं तो ज्यादा अच्छे से सोच पाते कि हाउ मच बिग नंबर इट इज। तो डेफिनेटली इट इज यूज्ड फॉर द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, है ना। तो जो आपकी एटॉमिक लेवल की क्वांटिटी होती है उन्हीं के लिए, हम एप्पल के लिए कभी आपको रेडी पे कोई ऐसा नहीं बोलता हुआ मिलेगा कि मुझे 2 mole एप्पल दे दो, 1 mole एप्पल दे दो। डेफिनेटली यू कैन यूज इट एवरीवेयर, बट एक्चुअली द यूज ऑफ मोल कंसेप्ट इज फॉर द एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स। अगर आप एटॉमिक लेवल की बात करें, माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें, तभी आप मोल कॉन्सेप्ट का जो ये टर्मिनोलॉजी है वो यूज लगने वाले हैं। सर आपका कोड लगा के 23 rupees ही रहा स्कॉलरशिप फी। बेटा इट इज वैलिड फॉर द परचेज ऑफ कोर्स, 25 rupees में आप कैसे कोड लगा सकते हैं ना, दैट्स नॉट ए पॉइंट टू अप्लाई द कोड। ये आप गलत जगह शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऋतिक रोशन वाला डायलॉग याद है ना आपको, शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है आपको। तो 25 rupees is already a just a registration charge, it's not a fee as I already mentioned, तो इस पे आपको क्या ऑफ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं 1 mole 2 mole, what is mole हमने define किया। अगर हम बात करें कार्बन के रिस्पेक्टिव में, तो 1 mole ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। और जैसा कि आप 9th class में सीख चुके हैं, अगर मैं एक बर्तन के अंदर, अगर मैं एक फ्लास्क के अंदर 1 mole कार्बन लेता हूं, तो इसका वे कितना होने वाला है, हाउ मच वे इट गोना पुट। तो डेफिनेटली इसका वे कितना रहने वाला है बेटा, 12 gram वे रहने वाला। हाउ मच वेट डज इट हैव, इट विल हैव द 12 gram वेट। क्यों, क्योंकि 1 mole का वेट जो है वो उसके मोलिकुलर वेट के बराबर ही होता है। तो 1 mole ऑफ कार्बन कितना वेट होने वाला है उसमें, 12 gram। और हम जनरली ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 gram per mole। क्लियर। हेलो विकास, हाउ आर यू।
आई होप यू आर गुड। तो ऐसे ही आप, मोल इज जस्ट ए मैथमेटिकल नंबर, इसको माइंड में कोई बड़ा हवा नहीं बनाना है। व्हाट इज मोल? मोल इज जस्ट ए मैथमेटिकल नंबर, इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एटम मॉलिक्यूल, ये सिर्फ एक नंबर है। वो तो आप इसके पीछे अगर एप्पल लिखेंगे तो एप्पल के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, एटम्स लिखेंगे तो एटम के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, और मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो मॉलिक्यूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड टू विच थिंग्स इट इज इट एप्लीकेबल। तो दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, डोनेटेड बाय NA। मोल इज काउंटिंग यूज्ड फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन केमिस्ट्री लाइक प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स आयन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स। दीज आर द वेरी लाइट पार्टिकल्स, दीज हैव वेरी वेरी लेस मास एंड इन्हीं के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 24 ग्राम हमारे पास एक प्योर कार्बन है, लाइक हमारे पास 24 ग्राम का क्या है, एक डायमंड पीस है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका एग्जैक्ट वेट, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज 24 ग्राम डायमंड, बट टेल मी हाउ मच कार्बन डज इट हैव। तो यू कैन से दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैव 1 मोल ऑफ कार्बन, तो आपका 24 ग्राम ऑफ डायमंड में क्या होने वाले हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन होने वाले। थिंग इज वेरी वेरी इजी, है ना। तो ऐसी ही कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम ऐसे हवा में करेंगे। वी आर गोना यूज सम फॉर्मूलास एंड लेट्स लर्न दीज फॉर्मूला। तो यहां पर जो ये पेज है, दिस पेज इज अल्टीमेट, है ना। इस पेज पे जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है, अगर ये आपको क्लियर हो जाती है तो आप मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सॉल्व एनी मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी के भी मोल निकालने को बोलता है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीजें हैं कंसाइज फॉर्म में, तो लेट्स लर्न देम वन बाय वन। What are number of mole? अगर आपको आपका product amount जो है, chemical formula जो है, उसका क्या दिया गया है, mass दिया गया है। जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा you have 24 gram of carbon। अगर आपको given amount of reactant या product दिया गया है, उसके number of moles निकालने हैं, just divide it by molar mass। Given weight upon molecular weight is the most widely used formula of mole concept, है ना। मोल कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? इज इट क्लियर टू? यस। उसके बाद बात करते हैं कि आपको, है ना, ये दिया ही नहीं गया है कि कितने पार्टिकल। आपको बोला है कि आपके पास, है ना, एक बीकर है और इसके अंदर 1 बिलियन कार्बन है। क्या डाल दिया इसके अंदर? 1 बिलियन कार्बन एटम है। बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने है? क्या है कि 1 बिलियन कार्बन एटम्स है, बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने है। Now you don't have the mass of carbon, you have the number of carbon. What to do in this case? ऐसे केस में आपको मोलर मास से नहीं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। If the number of atoms or molecules are given, just divided by Avogadro number, you are gonna get the number of moles. Number of moles आपको मिल जाएंगे। Next, अब अगर आपको कहता है कि नहीं, कंटेनर जो है वो क्लोज है और मैंने ना इसमें गैस भर दी है, N2 गैस भर दी है, कहां पर? एसटीपी के ऊपर, एसटीपी के ऊपर भर दी है। कितने टेम्परेचर के ऊपर? 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मुकुल कुमार, हो जाएगी बेटा, मैथ्स की क्लास भी हो जाएगी, वरी नोट, ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, मैथ्स की क्लास भी होगी, ऑल सब्जेक्ट्स विल बी टॉट टू यू, ठीक है। तो यहां पर इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या दिया गया है, 273 केल्विन इज द टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसटीपी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको बोल दे कि 10 लीटर के कंटेनर में नाइट्रोजन फिल की है एट द एसटीपी कंडीशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डू वी हैव? हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी? ऐसे वो कैसे पता कर पाएंगे? वी हैव टू यूज दिस थर्ड फॉर्मूला, जस्ट डिवाइड दैट वॉल्यूम बाय 22.4। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि कोई भी गैस, वट एवर गैस यू हैव, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। एसटीपी के ऊपर गैस चाहे कोई भी हो दुनिया की, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर होती है। तो सिंपली इफ यू हैव गिवन वॉल्यूम एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम को आपको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, जस्ट डिवाइड इट बाय 22.4, दैट्स इट। नाउ द लास्ट फॉर्मूला दैट यू मे नीड,
कंसंट्रेशन टर्म होती है मोलैरिटी, जब आप लैब में जाते हैं तो आपके HCl की बोतल मिलेगी, H2SO4 की बोतल मिलेगी, लॉट ऑफ केमिकल्स वर प्लेस्ड देयर एंड इफ यू लुक एट देयर कंसंट्रेशन दे आर यूजुअली रिटन इन द मोलैरिटी टर्म. फॉर एग्जाम्पल वहां पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि यू हैव 8 मोलर HCl. दिस कैपिटल M रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी. ये कैपिटल M जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं उसमें से आपको 10 ml 20 ml HCl एक बीकर में ट्रांसफर करके दे देता हूं और बताता हूं, बताइए इस 20 ml HCl के अंदर कितने मोल ऑफ HCl हैं. मींस नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द मोल्स फ्रॉम द ml ऑफ ए लिक्विड. हाउ टू डू इट, जस्ट मल्टीप्लाई द मोलैरिटी बाय वॉल्यूम इन लीटर. ध्यान रखेंगे, अभी मैंने कहा मैं 20 ml डाल के दे देता हूं, तो मोलैरिटी को 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव HCl, यही HCl आपके पास 8 मोलर और इसी के मैंने आपको 20 ml दिए हैं, एंड आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ने बोला था मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करना है. आंसर विल बी रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू डू, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम तो आपको करना ही है, बट मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम शुड बी इन लीटर. तो यू हैव टू कन्वर्ट 20 ml इंटू द लीटर एंड दैट अमाउंट 0.02 लीटर मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद द 8. After that, आपको क्या मिलने वाले हैं, moles of HCl मिलने वाले. Is it clear? तो एक साथ रिवाइज करते हैं, 4 सिंपल स्टेप हैं. अगर आपको मास दिया गया है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको वॉल्यूम दी गई है STP के ऊपर तो उसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, एंड इफ यू हैव गिवन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं और उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर आपको निकालने हैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, एंड अगर मोलैरिटी दी गई है तो उसको वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आशुतोष सर मोलैरिटी और मोलैलिटी इज सेम? नो बेटा, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आर डिफरेंट. मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम साइन, वेयर द मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम साइन. अगर 8 मोलर सॉल्यूशन होगा तो वहां पर क्या लिखा होगा, 8 m इंटू 8 m HCl, स्मॉल m लिखा होगा, एंड दिस स्मॉल m रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी. स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी होता है. तो अब एक क्वेश्चन आपने पूछ ही लिया है तो इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि सर अगर मोलैलिटी लिखा है अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने, अब बताओ क्या करेंगे, क्या तब भी मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे लीटर में? नहीं बेटा, तब मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकते. That would be a wrong thing to do. आप वहां से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उस केस में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिएगी, लाइक यू विल नीड द डेंसिटी, आपको डेंसिटी भी पता होनी चाहिए, एंड दैट वुड बी थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. मिथिलेश सिंह हेलो बेटा, वेलकम, यहाँ भी आपका स्वागत है. तो सभी बच्चे लाइक बटन को प्रेस जरूर कर देंगे. तो आपको मोल कॉन्सेप्ट निकालने के ये इंटरेस्टिंग एडिशन. Now there is usually doubt between the students, sir what is STP, difference between STP or NTP, the values है ना ये पूरे इंटरनेट के ऊपर गलत गलत लिखी हुई है, हर जगह पे इसको ना उल्टा सीधा लिखा हुआ है. तो let us clear it कि हो क्या रहा है. कुछ जगह पर आपको ये value 22.7 लीटर लिखी हुई मिलेगी और कुछ जगह पर आपको ये 22.4 लीटर लिखी हुई मिलेगी. ठीक कौन सी है, 22.4 लीटर वाली जो IUPAC की नई कन्वेंशन के न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कौन सी आपकी 22.7 लीटर है, एंड प्रीवियस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कितनी है 22.4 लीटर है. ये वॉल्यूम कैसे बदलेगी, मतलब क्या एक यूनियन ने डिसाइड किया और गैस ने बिहेव करना डिफरेंट चालू कर दिया? नहीं, हमने कंडीशंस चेंज कर दी. यहां पर देखिए, यहां पर जो नई कंडीशन है वहां पे जो प्रेशर है वो 1 एटमोस्फियर ना लेके क्या लिया गया है, एक बार लिया गया है. एंड इफ यू हैव दिस कंडीशन 1 एटमोस्फियर एंड 0 केल्विन, देन डेफिनेटली द प्रेशर इज टेकन एज 1 एटमोस्फियर, देन मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर गैस विल बी 22.4 लीटर. और अगर बेटा आपका होता है प्रेशर आपको बार में दिया है, एटमोस्फियर में नहीं दिया गया, एंड व्हाट इज स्मॉलर यूनिट, बोर बार और एटमोस्फियर, डेफिनेटली बार इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रेशर, एटमोस्फियर इज समवट लार्जर यूनिट ऑफ प्रेशर. तो आपने स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रेशर लोगे तो वॉल्यूम तो ज्यादा ही आएगी, मतलब आपने प्रेशर कम कर दिया थोड़ा तो बेटा वॉल्यूम अल्टीमेटली ज्यादा ही आएगी.
22.4 से 22.7 हमें ये बात पता है ना, बॉयल्स लो पढ़ चुके हैं। बॉयल्स लो बोलता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर कम किया है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी ही। अभी अभी वो चैप्टर खत्म कर गए हैं, तो ऑलवेज लिंक द कॉन्सेप्ट। कभी भी है ना एक कॉन्सेप्ट को छोड़ के दूसरे कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, एक कॉन्सेप्ट को लेके दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाना है। आशुतोष, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? होता क्या है बेटा इक्विवेलेंट मास? मोलर मास क्या होता है? हम कंपेयर करके बताते हैं व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास होता है आपका मास ऑफ वन मोल, एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? मास ऑफ वन इक्विवेलेंट। अब बात ये आती है, अरे इक्विवेलेंट क्या होता है सर? मोलर मास, मोल तो समझा दिया आपने, मोल इज इक्वल टू 6.022 इनटू 10 रेस टू द पावर 23। अब ये इक्विवेलेंट क्या होता है तो ध्यान से सुनिए, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एक्स फैक्टर। मोलर मास को एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। एंड व्हाट इज एक्स फैक्टर बेटा? फॉर द एसिड कितने प्रोटॉन लूज कर रहा है, वही एक प्रोटॉन लूज कर रहा है, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। दो प्रोटॉन लूज कर रहा है, एक्स की वैल्यू 2। तीन प्रोटॉन लूज कर रहा है, एक्स की वैल्यू 3। फॉर द बेस कितने OH नेगेटिव डोनेट कर रहा है, एक OH डोनेट कर रहा है एक्स फैक्टर 1, दो OH डोनेट कर रहा है एक्स फैक्टर 2। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको बताता हूं मैं, लाइक HCl, NaOH, KOH, इन सभी के लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 1 है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, ये कितने कितने लूज करते हैं? 2, तो इनके लिए एक्स की वैल्यू 2 है। अगर मैं बात करूंगा H3PO4 की, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 3 है। अगर क्या हमेशा ये सिर्फ एसिड बेस के लिए ही वैलिड होगा? नहीं बेटा, एसिड बेस के लिए वैलिड नहीं होगा सिर्फ, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द आयन्स, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द सोल्ट। इन दैट पर्टिकुलर केस आपको वैलेंसी से डिवाइड करना होगा। अगर आपको सोल्ट दिया गया है तो व्हाट इज एक्स फैक्टर? एक्स फैक्टर इज सोल्ट इन दैट पर्टिकुलर केस। उस टाइम आप उसको वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो भी वही आपका एक्स फैक्टर है। क्लियर है? तो एक्स फैक्टर को तो हम बहुत डिटेल में देखने वाले इन द अपकमिंग चैप्टर्स। हेलो बेटा अमीशा, वेलकम, आपका स्वागत है करियर पॉइंट के चैनल के ऊपर। यस, तो हम क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। हमने मोल कॉन्सेप्ट निकालने के 4-5 मेथड देखे, उन्हीं का यूज करना है। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट? बट दिस अनहाइड्रस मींस दैट वाटर इज नॉट अटैच, वाटर इज नॉट अटैच। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, तो फिर इसको यहां पर क्यों लिया गया है? बिकॉज इट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2018 के पेपर 2 से आया हुआ ही क्वेश्चन है। सिंपल सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, उसको भी आसान बना दिया है। जो उसके अंदर एटम्स हैं उसका वेट आके आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया है, वो भी इसने खुद ने ही बता दिया है। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट, इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, बस इसका आपको क्या बताना है? मोलर मास बताना है। और इसके एटम्स का मास आपको दिया गया है, सोडियम का कितना? 23। तो सोडियम के लिए तो हो गया 23 × 2, कार्बन के लिए हो गया आपके पास +12, और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास कितना हो गया? 16 × 3। अगर आप इसको ऐड कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा? मोलर मास मिल जाएगा। जस्ट डू ए वेरी स्मॉल कैलकुलेशन, दिस इज 48 + 12 आपका 60 हो गया, 60 + 46 = 106 हो गया। तो आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। यू जस्ट हैव टू ऐड द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए फॉर्मूला। अगर आपको वो .2H यहां पर आपको दे देता कि अनहाइड्रस नहीं है, वॉटर भी अटैच है, फॉर्मूले के साथ 2 वॉटर अटैच है, 3 वॉटर अटैच है, वो भी आपको इंक्लूड करने पड़ते। तो अपेक्षा का एंड आशुतोष का आंसर बी आ गया। तो यस बेटा, इट्स नॉट ए बिग डील टू डू, क्वेश्चन ईजी ही आते हैं। चलिए उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ये भी हमारा 2018 का ही क्वेश्चन है सर।
गुड बेटा अमीषा, डेफिनेटली धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा एक कोर्स के बारे में, तो डेफिनेटली पीपल आर गोना इंक्रीज एंड यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी बिग थिंग। तो चलिए यहाँ पर बात क्या करें, ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन टू आइसोटोप विद मास 16 एंड 18। आपको पता है आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। What are isotopes? Isotopes are the atoms which have same atomic number, means same number of proton, and different mass number means different number of neutron. Neutrons का number different रहने वाला है, protons का number same रहने वाला है, ये isotope है दो। और इनकी proportion क्या दिया गया, the proportion in which the sample is there 3:1, ये आपका 3:1 में है, मतलब ये 75% present है, ये 25% present है। पूछ रहा है सैंपल का वेट निकालना, तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम वेयर वी आर गोना लर्न हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास। मोलर मास हमने निकालना सीख लिया, मोलर मास होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। आपको अब निकालना है एवरेज मोलर मास, किसी भी चीज की एवरेज निकालना है, तो मोलर मास के लिए कोई डिफरेंट नहीं आने वाली है, मोलर मास के लिए भी सेम ही तरीका रहेगा। जैसे अगर आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं कि पांच सब्जेक्ट में आपके एक्स वाई जेड कुछ मार्क्स आते गए, हाउ यू कैलकुलेट योर परसेंटेज, हाउ यू कैलकुलेट योर एवरेज, यू एड योर टोटल मार्क्स, सभी टोटल मार्क्स को आप कितने सब्जेक्ट्स में आए उससे डिवाइड कर देंगे, आपको क्या मिल जाएंगे, आपके एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, कि इतने मार्क्स आपको एवरेजली पर सब्जेक्ट में मिले। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू हेयर, कि यहां पर आपके पास दो टाइप के एटम है, 16 वाले हैं 18 वाले हैं, उसका जो मास है उसको उसके परसेंटेज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हेलो बेटा वेंचर, वेलकम, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। आप नए हैं लेकिन यू विल फील एडिक्टेड टू दिस चैनल, डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स द प्लेटफॉर्म फॉर यू। तब आपको इसका कैलकुलेट करना है, व्हाट यू डू, 16 × 75 + 18 × 25 / 100, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज। इसी तरीके से इसकी क्या आएगी, एवरेज आएगी। तो आशुतोष मिश्रा ने बिल्कुल सही बता दिया है, क्या करना है बेटा, यहां पर क्या करना है, 16 × 75 + 18 × 25 / क्या करना है, 100 करना है। इफ यू आर गोना सोल्व इट, डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या होना चाहिए, क्या आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके, क्या कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके एड करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। यस वेरी गुड, आपका नाम भी रजत है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही मतलब कोइंसिडेंस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगेन दिस इज फ्रॉम 2010 पेपर, 2010 के पेपर से है। आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी एक्स एटम होता है उसका यहाँ पर जेड लिखा जाता है, ऊपर ए लिखा जाता है। व्हाट इज जेड, जेड यहां पर क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, Z is atomic number or you can say is equal to number of proton. क्या है, number of proton है, Z is the atomic number. किसी भी element का atomic number क्या होता है बेटा, कि उसके अंदर कितने protons present है, वही उसका क्या होता है, atomic number होता है। अगर आपको इसके neutrons निकालने, कैसे पता लगेगा, A से। What is A? A is mass number here. A is mass number and what mass number signifies? Mass number आपको signify करता है number of proton plus number of neutron. That's what it tells us. Number of proton plus number of neutrons आपको पता लगते हैं mass number से। अब आपको mass number और atomic number दोनों दिए गए हैं। Calculate the number of neutron in aluminium. Al और आपको नीचे जो एटॉमिक नंबर लिखा है, क्या ये सही है? Yes, ठीक है। तो यहां पर जो एटॉमिक नंबर लिखा है, इसमें कुछ गड़बड़ है, यहां पे देयर इज ए प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम इन इट, एल्यूमिनियम जो होता है बेटा उसका एटॉमिक नंबर 7 नहीं होता. हु इज द एटॉमिक नंबर 7? क्या यहाँ पे गड़बड़ है? फटाफट सभी पॉइंट आउट करेंगे. 7 एटॉमिक नंबर तो नाइट्रोजन का होता है, 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? आपका एल्यूमिनियम का नहीं होता, नाइट्रोजन का होता है. एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? यहाँ पर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर चेक करेंगे जो कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है. कहां पर आता है एल्यूमिनियम? इफ यू नो द पीरियोडिक टेबल, यहां पर हम ध्यान से शुरू करेंगे. यहां पर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, यहां पर आता है बेरिलियम, फिर आपका आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है. नियोन एटॉमिक नंबर इज 10. उसके बाद यहां पर चालू करते हैं सोडियम से, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर यहां पर आता है एल्यूमिनियम. एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है. एटॉमिक नंबर सभी को पता है 16 नहीं होता बेटा, 13 होता है, 14 भी नहीं होता. 14 आपका कार्बन के नीचे कौन आता है? सिलिकॉन उसका होता है. तो एटॉमिक नंबर इज 13. देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन इट. अगर आप इसके बेस पे करते हैं तो आंसर गलत ही आ जाएगा. लेकिन व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13 एंड मास नंबर इज 27. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज ऑलवेज ए माइनस जेड. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ए माइनस जेड होते हैं. ए माइनस जेड करेंगे, ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 27. जेड की वैल्यू कितनी है? 13. आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा. आंसर विल बी ऑप्शन सी. आपको एटलीस्ट 20 तक की पीरियोडिक टेबल तो 10th क्लास में याद हो जानी चाहिए, है ना? तो हमने यहाँ से शुरुआत की. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका 10. सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13. क्लियर है? तो आपके 14 क्या आ गए हैं? आंसर आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर 14. यस, तो आंसर इज सी. चलिए, नाउ इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने कहा था मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक इज नॉट लिमिटेड अप टू द नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर ही लिमिटेड नहीं है, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो. एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में या 9th क्लास में आपको सिखाया जाता है व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा चार्ज क्या पॉसिबल है? बेटा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज दिस. इससे छोटा चार्ज दुनिया में पॉसिबल नहीं है. कि अगर कोई आपको बोलता है कि एक यहाँ पर बॉक्स है और इसके ऊपर इतना, इससे कम चार्ज प्रेजेंट है, दैट्स नॉट द पॉसिबल थिंग. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? अमाउंट इज सेम, साइन इज डिफरेंट. अमाउंट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम इन द प्रोटॉन एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. और प्रोटोन की बात करें तो क्या होता है? पॉजिटिव. तो दो की बात करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन का तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन से मल्टीप्लाई किया तो तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे. लेकिन अगर मैं आपको कहूं मुझे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, लाइक कि मेरे पास एक बीकर के अंदर सिर्फ एक मोल इलेक्ट्रॉन है, विच इज, ऐसा होता नहीं है कि आप बीकर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन डाल लें, दैट्स नॉट एन आइसोलेटेड थिंग. बट आई एम गोना टेल कि यहां पर आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है. तो आप क्या, जैसे आपने एक से निकाला, एक से मल्टीप्लाई किया, दो के, तीन से, एक मोल का निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाट आई मल्टीप्लाइड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय द एवोगैड्रो नंबर. एंड अगर आप इसे सोल्व करते हैं, आशुतोष सर ये समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? मैं यही कह रहा हूं कि आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो पता है. कोई भी चीज अगर एक मोल है तो उसका मतलब क्या है? कि उसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर. इफ यू हैव वन मोल इलेक्ट्रॉन्स मींस हाउ मच इलेक्ट्रॉन डू यू हैव? यू हैव 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन. नाउ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻²⁻¹. दो का इतना होगा, तीन का इतना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? एक मोल का निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया. यू कैन यूज द कैलकुलेटर और समथिंग, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 96458 आएगा. हमने जिसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लिया, इस चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलम. तो यहां पर जो चार्ज आया एक मोल का वो कितना आया? कूलम आया है. कितना कूलम आया है? 96500 कूलम. इट इज द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड नाउ आपको वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्या बोलते हैं?
फैराडे बोलते हैं। व्हाट इज फैराडे? अब आपको एक सिंपल कोई डेफिनेशन पूछता है कि फैराडे क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं फैराडे इज डिफाइंड एज द 96500 कूलम चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपके पास एक मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या एक मोल प्रोटॉन भी प्रेजेंट हो, क्योंकि एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन डिफरेंट होगा, अमाउंट सेम होगा। तो एक मोल प्रोटॉन का या एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे क्या बोलते हैं, वन फैराडे बोलते हैं। एंड इट इज इक्वल टू 96500 कूलम। आया कहां से? जब हमने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एवोगैड्रो नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर आपको चार्ज मिल गया, ये वाली इंफॉर्मेशन मिल गई। क्लियर है? तो चलिए फिर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ प्रोटॉन? सेम, एक मोल प्रोटॉन का चार्ज भी सेम रहने वाला है, डिफरेंट नहीं रहने वाला, बिकॉज देयर अमाउंट इज सेम, साइन इज डिफरेंट, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू वन फेराडे पॉजिटिव है, पीछे क्या है वन बेटा वन फेराडे नेगेटिव है। अब आपसे बात कर रहे हैं कि एक मोल न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा। बेटा न्यूट्रॉन का खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन इज नॉट चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या आएगा आपका, जीरो फेराडे ही आएगा। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज आपका कितना आएगा, जीरो फेराडे ही आएगा। सो नाउ मूविंग टू ए क्वेश्चन पार्ट, चार्ज ऑन 23 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन, आपको 230 ग्राम क्या दिए गए हैं, सोडियम प्लस आयन दिए गए हैं, पूछ रहे हैं उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। हाउ टू डू दिस? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। किसके? सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, बिकॉज ग्राम के रिलेशन हमें नहीं पता है। एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? अभी अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट इज 230 ग्राम, व्हाट इज मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम, मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल। क्या है, 23 ग्राम पर मोल है, इट कम्स आउट टू बी 10 मोल, आपको 10 मोल सोडियम के प्रेजेंट है। वो पूछ रहा है 10 मोल सोडियम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, एक सोडियम के ऊपर एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है, 10 मोल सोडियम के ऊपर 10 मोल पॉजिटिव चार्ज है, एंड 1 मोल पॉजिटिव चार्ज या 1 मोल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे, दैट्स व्हाट वी नो। टोटल चार्ज इन फैराडे निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन आयन को। तो यहां पर आपको क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, कितने आ गए, 10 आ गए। एक मोल के ऊपर चार्ज अभी अभी आपको पता लगा है कितना होता है, 1 फैराडे होता है, 10 मोल के ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा, 10 फेराडे चार्ज हो जाएगा, बिकॉज सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज और 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1 फेराडे। तो हाउ मच चार्ज डू यू हैव इन द 230 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयन्स, इट इज 10 फेराडे चार्ज। तो मोल भी निकालना सीख गए, फेराडे भी निकालना सीख गए। तो चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं, टोटल चार्ज आपको निकालना है 2.5 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन, किसके ऊपर निकालना है, फॉस्फेट आयन के ऊपर निकालना है। इसके बाद आप मुझे यहां पर बताएंगे इन 1.2 ग्राम ऑफ Mg2 प्लस आयन, आपको 1.2 ग्राम क्या दिया गया है, Mg2 प्लस आयन दिया गया है, इसके ऊपर भी आपको चार्ज निकालना है, किसमें, कूलम में, ये भी आपको करना है। अभी इसको देखते हैं, क्या दिया गया है, 2.5 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन दिया गया है, एक फॉस्फेट, इसको क्या बोलते हैं, PO43 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन। हाउ मच चार्ज डज इट हैव, इट्स चार्ज इज -3, मींस -3 चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ए वन मोलिक्यूल, तो 2.5 मोल्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2.5 मोल इनटू 3, सिंपली आपका क्या आ गया, 7.5 फेराडे चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द 2.5 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको किसका निकालना है, मैग्नीशियम वाले का निकालना है। टोटल चार्ज इन फेराडे, नंबर ऑफ मोल्स को चार्ज ऑन आयन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यू नो दिस ट्रिक, If you have to calculate this thing for the Mg2 plus ion, what to do? Number of moles, given weight 1.2 gram, molecular weight 24 gram. What is the molecular weight of magnesium ion? 23 for the sodium, 24 the magnesium. If you gonna solve it, यहाँ पर इसका क्या आने वाला है? इसको मैं 10 यहाँ पर आ जाएगा, 1 upon 20.
हाउ मच मोल डू आई हैव ऑफ मैग्नीशियम 1/20 अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. ये मोल्स Mg2+ के आए हैं ना कि चार्ज के. अभी आपको चार्ज का निकालना है. यू हैव टू यूज दिस ट्रिक. यहां पर आपको टोटल चार्ज निकालना है. इफ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं 1/20. एक मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज दो है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1 फैराडे. हाउ मच चार्ज डू यू हैव? यू हैव 0.1 फैराडे चार्ज. किसके ऊपर है बेटा? थैंक यू सो मच बेटा अमीशा, योर सपोर्ट इज वेरी गुड फॉर अस. यस, तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं बेटा कि आपका कितना चार्ज आया? 0.1 फैराडे चार्ज यहां पर आपको मिलने को मिला है. अपेक्षा आपका भी आ गया 1/10. यस, 1/10 या 0.1 फैराडे इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्लस आयन. तो यहां पर क्या हो रहा है, आप मोल कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, इसके साथ साथ थोड़ा पार्ट जो 12th क्लास में टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यू विल गेट हैंडी विद दिस चार्ज थिंग, है ना. चार्ज वाली चीजें भी आपके लिए क्या हो जाएंगी, हैंडी हो जाएंगी, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे. चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मिथेन. 16 ग्राम मिथेन के अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे? मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है. मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करना होता है, कैसे करते हैं? इफ यू हैव गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट यू हैव टू डू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हेलो बेटा शुभम, वेलकम. यस, तो क्या करना है यहां पर आपको, मिथेन का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए. व्हाट इज मिथेन? CH4 इज मिथेन एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 16 ग्राम पर मोल. Now, if you need to calculate the number of moles, what is it? Given weight upon molecular weight. What is given weight here? Given weight is 16 gram. What is molecular weight? 16 gram per mole. Gram se gram cancel ho jayega. What mole you have? You have 1 mole. Aapko methane ke 1 mole diye gaye hain. To answer kya hai? Yes, beta Amisha. Very good. Yes. तो बात कर रहे हैं टू नहीं, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं? 1 आ गए हैं. नंबर ऑफ मोल्स आर 1 और आपको पूछा, अच्छा सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. ओके सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. नंबर ऑफ मोल्स आर द 1. यस बेटा इशाना, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. वेरी वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन. यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. यहां पर आपको थोड़े से हल्के हल्के दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, तो ध्यान से कीजिएगा. आपसे पूछा क्या है, 1 मोल आपको यहां पर क्या दिया गया है, आपको कोई मोल नहीं दिया गया, सॉरी. यू हैव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 ट्वाइस एंड आपको क्या चाहिए, यू नीड 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. यू जस्ट नीड 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. माई क्वेश्चन इज हाउ मच मैग्नीशियम फॉस्फेट मोल डू आई हैव टू टेक. मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपके पास क्या हो सके, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो सके. हाउ टू डू, पहले तो ये पता लगाना है इस एक फॉर्मूला के अंदर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है. वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन्स हाउ मच एटम ऑफ ऑक्सीजन. इफ यू लुक एट दिस, हाउ मच ऑक्सीजन डज इट हैव? इट हैव 8 ऑक्सीजन. अगर आपको कम दिखाई दे रहे हैं तो आप सही नहीं देख पा रहे हैं. पर फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर आपको यहां पर 8 ऑक्सीजन एटम दिखाई देने चाहिए. मींस इफ यू टेक 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट आपको 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलने वाले हैं. तो 8 आपको क्लियर है. तो यहां पर मैं आपको सिंपल एक बच्चों की तरह एक छोटा सा स्टैटिक सिखा रहा हूं. क्या होता है, 8 मोल ऑफ ओ इन 1 मोल. 8 मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंट है कहां पर, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर. तो 1 मोल कहां प्रेजेंट होगा, 1/8 ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस. लेकिन आपको तो ना 8 चाहिए ना 1 चाहिए, यू जस्ट नीड द 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो आप इसको क्या करेंगे, आपको 0.25 में चाहिए है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 1/8 into 0.25.
दैट्स व्हाट यू डू. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां से, सिंपल सिंपल. इफ यू गोना कैलकुलेट 1/8 इंटू 0.25. सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Mg3PO. फिर बेटा उसने मास नहीं पूछा है, उसने सिंपल मोल पूछा है कि कितने मोल हमें मैग्नीशियम फॉस्फेट के चाहिएंगे. अगर वो आपसे मास पूछता तो डेफिनेटली आपको मॉलिक्यूलर वेट भी देता. एंड जस्ट जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आते, यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स विद द मॉलिक्यूलर वेट, यू गोट द मास. कि आपको मास कितना चाहिए वो भी आपको पता लग जाता. अपेक्षा बेटा लैगिंग कर रहा है, तो जस्ट रिफ्रेश इट. आप एक बार वीडियो को रिफ्रेश कीजिए. होप सो आपको ऐसा इश्यू नहीं आएगा. बट द आई एम आस्किंग कि आपको 8 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट लेना है, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 1/8 मैग्नीशियम फॉस्फेट लेना है. बट इफ यू नीड ओनली 0.25, जस्ट टेक 0.25 इंटू 1/8 एंड यू विल गेट द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, इट्स 1/32. क्या आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ऑप्शन ए आ रहा है, बी आ रहा है. फटाफट कैलकुलेशन करनी है आपको. 1/32 करोगे तो विच ऑप्शन डू यू गेट, कौन सा ऑप्शन आपको मिलने वाला है. वन टू थ्री फोर में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा. मैंने आपको कहां तक कर दिया, इट इज 1/32 हमने यहां पर निकाल दिया है. क्लियर है, आपको यहां पर बताना आंसर कौन सा होगा. 1/32 करके देख लीजिए, डिवाइड करके देखेंगे आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ आएगा. आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ. तो दिस मच अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट यू विल रिक्वायर टू टेक द 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन. थर्ड आ रहा है शुभम यादव, नहीं बेटा आपने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ की है. 1/32 इज नॉट इक्वल टू 0.02. इफ यू डिवाइड 1/32 यू आर गोना गेट द ऑप्शन डी. बाकी तो आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, आपको वैल्यूज बता दी हैं. यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 1/8 इंटू 0.25. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.01 इंटू 10^23 मोलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन. वैसे तो बेटा गैस चाहे कोई भी हो, एसिटिलीन हो या कोई भी हो, वॉल्यूम तो सेम ही एक्वायर करता है ना, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सी है. बट स्टिल यू शुड नो व्हाट इज द एसिटिलीन. एनी स्टूडेंट नो कि एसिटिलीन कौन सी गैस होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है. अगर आप फॉर्मूला बता देंगे तो स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा. बट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन. एसिटिलीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज ए हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यू से. एंड इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H2. इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज C2H2. और स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो ये वाली इसकी स्ट्रक्चर होती है. एनटीपी का मतलब यहां पर है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो बेसिकली यू हैव 1 एटमोस्फियर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर. प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन एनटीपी देने का मतलब क्या है कि आपको 1 एटमोस्फियर प्रेशर दिया गया है, 273 केल्विन क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है. बेटा हमें एक इंफॉर्मेशन जरूर पता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर. अगर हमें जैसे तैसे नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाए तो हम वॉल्यूम बता सकते हैं, बिकॉज हमें पता है एनटीपी के ऊपर अगर 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो जितने मोल्स की वो हमसे पूछेगा वो हम बता देंगे. जितने मोल्स की हमसे पूछेगा उसको मल्टीप्लाई करके हम इजिली बता सकते हैं. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होते हैं और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिवाइड योर पार्टिकल्स बाय द मोलिकुलर एवोगैड्रो नंबर. अब मैंने आपको कहा था अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं ना कि वेट ऑफ पार्टिकल, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/2 या आप कह सकते हैं 0.5 मोल. हाउ मच मोल्स ऑफ एसिटिलीन डू यू हैव, यू हैव 0.5 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, और यू कैन से 1/2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन. नाउ आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है, मोल नहीं निकालना. 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो 1/2 मोल की वॉल्यूम उससे हाफ होगी यार,
दैट्स नॉट एन मतलब बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक मोल अगर 22.4 एक्वायर करता है तो हाफ मोल कितना एक्वायर करेगा, 11.2 लीटर एक्वायर करेगा। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, फेराडे। यू लर्न ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टूडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अरे ये अच्छा है, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन ट्रिकी एटम में भी आता है, ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन किसमें आता है, एटम में भी आता है। तो यहां पर आपको पता लगाना है कि किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, सभी के क्या निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल। फर्स्ट ऑप्शन के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे कैसे, गिवन वेट कितना है आपका 36 ग्राम। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। कितना होता है, 18 ग्राम पर ml मोल। इफ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इट इज 2। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास वाटर के, 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। एंड सेम हेयर यू हैव टू कैलकुलेट द कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, CO के निकालने हैं, CO2 के, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका क्या आएगा बेटा, गिवन वेट कितना है, 28 ग्राम है, और आपके किससे डिवाइड करेंगे, 44 से करेंगे, तो 1 से छोटी टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हिमांगी आपका आंसर बी सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। नहीं बेटा, सेकंड ऑप्शन इज नॉट द आंसर। इफ यू लुक एट द थर्ड ऑप्शन, मीथेनोल। व्हाट इज मीथेनोल, CH3OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 12 + 4 + 16 विच इज इक्वल टू 32। इफ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट 64, मॉलिक्यूलर वेट 32, इट कम्स आउट टू बी 2 मोल। इसके कितने मोल है, 2 मोल प्रेजेंट है आपके शुरू में, वॉटर के भी 2 मोल प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप डी ऑप्शन की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन वेट 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम पर मोल, 4 मोल ऑफ H2 प्रेजेंट है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं उसी के तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ज्यादा होंगे बेटा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। हियर वी हैव 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट। 4 मोल्स मींस 4 × 6.022 × 10⁻²³ आपके पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन। थैंक यू आशीष कपलेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, डेफिनेटली वी विल टेक मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट के थोड़े घूमे हुए क्वेश्चन और थोड़े और डीप कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है। सर क्या ये जेई के लिए भी सफिशियंट है? यस बेटा निशा, इट इज सफिशियंट फॉर द जेई मेन्स। आप डेफिनेटली जेई मेन्स के लिए इसे रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। बहुत सारे बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबिंग। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, है ना। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और आफ्टर एंडिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस अपने कॉम्प्लीमेंट्स, अपनी सजेशंस, अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, व्हाटएवर यू डू यू वांट टू आस्क, व्हाटएवर यू वांट टू से, डोंट फॉरगेट टू पुट देम इनटू द कमेंट सेक्शन, है ना। सर क्लास डेली क्लास, यस बेटा निशा, डेली 11 से 12 क्लास होती है। आज आप क्लास खत्म होने के टाइम पे आए, बट आई होप सो आप नेक्स्ट डे से क्लास शुरू होने के टाइम से आएंगे। यस बेटा निशा, क्लास विल बी डेली फ्रॉम 11 to 12। तो खुद भी आइए, अपने दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन दीजिए, और उनके साथ एक इंटरेस्टिंग वे में कॉन्सेप्ट्स और उसका एप्लीकेशन पार्ट, विच इज फार मच इंपॉर्टेंट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम सबसे बड़ी चीज यही रहती है कि हाउ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। ऑल स्टूडेंट्स न्यू द कॉन्सेप्ट, सभी को पता है मोल क्या होता है, सभी को फॉर्मूला पता होता है, बट उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे उस क्वेश्चन को मार्क्स में कन्वर्ट करना है, ये हम यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट से सीखने वाले हैं। सो
चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में कल ही मिलते हैं 11 बजे, तब तक हैव ए नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।